हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. दिस इज़ पवन एंड यू आर वॉचिंग आई एम इंडियन. आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे एक 3 BHK पेंट हाउस टूर एट सेंट्रल नोएडा. आज के इस एपिसोड में आप जो पेंट हाउस देखेंगे, दिस इज़ अ 3 BHK 3 toilet विद सर्वेंट रूम 7 toilet. अपर लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे अंदर से ही स्टेयरकेस है जो अपर लेवल पे कनेक्ट करेगी, बट उसका एक सेपरेट एक्सेस भी है ताकि अगर फ्यूचर में आप कोई गेट टुगेदर होस्ट करते हैं अपने घर पे तो आप अपने गेस्ट को डायरेक्टली अपने अपर लेवल पे इनवाइट कर सकें. आप में से बहुत सारे लोगों को इसी सोसाइटी का एक पेंट हाउस याद होगा. सो इसमें सबसे बड़ा जो पेंट हाउस था उसमें जो टोटल एरिया था दैट वाज 6200 square feet और टेरेस एरिया था 2300 square feet. उसका एक स्टेज फ्लैट अपार्टमेंट आपको दिखाया था एंड ट्रस्ट मी वो 6 months के अंदर निकल गया था एज इट इज़. तो बायर ने उसको ख़रीद लिया था विद फर्नीचर और इस वीडियो के अंदर आप ये यहाँ पे ग्लिम्स भी देखेंगे उन्होंने उस टेरेस एरिया को किस तरह से यूटिलाइज करा है. सो पेंट हाउस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके लिमिटेड ही ऑप्शंस हैं नोएडा की मार्केट में और लिमिटेड ही बायर्स हैं. सो पेंट हाउस नॉर्मली कौन कंसिडर करता है? ये स्पेशली वो लोग होते हैं जो इंडिपेंडेंट हाउसिंग का सपना लेकर दिल्ली NCR में रिलोकेट कर रहे हैं या अपग्रेड कर रहे हैं. सो टेरेस का एरिया जिसको चाहिए वो अगेन पेंट हाउस के अंदर ही जाता है. बट पेंट हाउस के भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं. बहुत सारे डेवलपर्स सिंप्लेक्स बनाते हैं, बहुत सारे ड्यूप्लेक्स बनाते हैं और कुछ डेवलपर्स गुरुग्राम मार्केट में या इनफैक्ट अब तो नोएडा में भी ट्रिप्लेक्स का ऑप्शन आ गया है. सो ट्रिप्लेक्स में क्या होता है, आपका एक पर्सनल प्राइवेट पूल होता है, तो इस टाइप के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं नोएडा मार्केट में. इफ यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग बिगर देन द नंबर इज ऑन द स्क्रीन, यू कैन जस्ट गिव अस अ कॉल एनी टाइम, विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू. सो दिस इज द लॉबी एरिया. ऑन माय राइट इज द सीटिंग एरिया, इसके बाद वहां पर प्रोजेक्ट का एक डमी मॉडल है एंड ऑन माय लेफ्ट इज अगेन सम मोर सीटिंग अरेंजमेंट. इसके बाद यहां से आगे की तरफ चलते हैं तो बिल्कुल लार्ज डबल हाइट सीलिंग है यहाँ पर. और इसके बाद ऑन माय राइट इज द कंप्लीट लेफ्ट लॉबी एरिया. एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे है स्टेयरकेस पैसेज. इसके बाद ये वाला रूम और ये वाला रूम, ये एक्सेस है डोमेस्टिक हेल्प रूम के लिए जो आगे जाकर किचन से कनेक्टेड है. लॉबी में अगेन यहाँ पर एक सर्विस लिफ्ट दिया है, दीस आर फॉर डोमेस्टिक हेल्प एंड कोरियर बॉयज. इसके बाद यहाँ पे कॉर्नर में एक फ्लैट वो है और एक्सट्रीम कॉर्नर में राइट हैंड साइड पे एक और फ्लैट है और बीच में 3 lifts हैं. तो 2 flats के लिए 4 lifts हैं और जिस टाइप का सेगमेंट है 4 lifts जो दी हैं वो इसीलिए दिए हैं ताकि आपको कभी भी वेट ना करना पड़े. नाउ दिस इज़ द फॉर्मल एंट्रेंस. फॉर्मल एंट्रेंस में बीच में ये वाला जो पोर्शन है दिस इज़ द फॉयर एरिया. फॉयर एरिया में जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पर एक नैरो पैसेज से होकर, जो एक्चुअली में नैरो नहीं है, इसके बाद आप एंटर करते हैं इस एरिया में. सो ये 22 feet फ्लोर टू सीलिंग हाइट है. नाउ दिस इज़ द फॉर्मल लिविंग एरिया. इसके बाद यहाँ पर एक और फैमिली लॉन्च रूम है. पूरा जो फ्लैट है सेंट्रली एयर कंडीशनड है, इसमें हॉट एंड कोल्ड VRP का ऑप्शन है. सामने की तरफ एक 6 feet वाइड बालकनी है. बालकनी में इन्होंने ग्लास और MS का इस्तेमाल करा है तो काफ़ी स्पेशियस बालकनी है, एक यूजफुल बालकनी है. इसके अलावा दोनों तरफ एक्सपोजर है सो इसकी वजह से आपको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम की जो सनलाइट है वो मिल जाती है. सो अभी ऑलमोस्ट शाम के 5:30 का टाइम हो चुका है एंड दैट्स वेयर सनसेट्स. और इसके बाद ऑलमोस्ट आगे की तरफ ये 10 feet का एक पैसेज है जिसको आप अगेन एज अ टेरेस की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं. बाकी इस पेंट हाउस के साथ एक अलग से टेरेस एरिया है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 1300 square feet का आपको एरिया मिलता है. दिस इज़ समथिंग दैट वी विल वॉच टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो नाउ वी आर इनसाइड द डाइनिंग एरिया स्पेस. और डाइनिंग एरिया में सामने की तरफ एक एक्सपोजर है जिसकी वजह से मॉर्निंग की जो सनलाइट है वो वहाँ से आएगी. दिस कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ फैमिली लॉन्च रूम. आगे की तरफ 3 bedrooms हैं बट तीनों बेडरूम को एक्सप्लोर करने से पहले लेट्स चेक आउट द किचन एरिया. सो डाइनिंग के बिल्कुल ठीक सामने है किचन एरिया. अब यहाँ पे आप इस स्पेस को चाहें तो एक्सपैंड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली रिक्वायरमेंट. सो इसमें बिलो एंड अबाव कैबिनेट में जितना वुडवर्क है ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है. अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज़ ऑल्सो अ सेपरेट एरिया. बहुत सारे लोग हैं जो घर के अंदर
पूजा रूम के लिए एक स्पेशल एरिया चाहिए होता है, तो उनके लिए यहाँ पर ये स्पेस आ जाता है जिसके अंदर आप अपना जो पूजा रूम है इसको प्लान कर सकते हैं। बाकी एवरी फ्लैट हियर कम्स विद अ सर्वेंट रूम, सर्वेंट टॉयलेट, जो किचन की यूटिलिटी से आगे जाकर कनेक्टेड है। सो इसमें एक था पूरा किचन एरिया, नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द बेडरूम एरिया। इसके बाद आगे की तरफ जो तीन वॉशरूम्स हैं, इसमें से फर्स्ट वॉशरूम ऑन द राइट हैंड साइड, दिस इज़ अ कॉमन वॉशरूम एंड इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस बेडरूम। सो यहाँ पे अगेन आपको वार्डरोब स्पेस बिल्कुल कॉर्नर में मिल जाता है। दिस फ्लैट इज़ येट टू बी हैंडेड ओवर। अब ये इसके बाद आगे की तरफ बालकनी एरिया है। बालकनी एरिया में ये वाला जो स्पेस आप देख रहे हैं इसके अंदर एसी की एक्सटर्नल यूनिट आएगी, सो ये हिडन रहेगी और यहाँ से जो व्यू रहेगा इस बालकनी से वो बिल्कुल आगे तक का पूरा सेक्टर 79 का व्यू है और बिल्कुल लास्ट में दैट्स नोएडा। सो गाइस नाउ वी आर बैक इन द पैसेज, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम से भी व्यू एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा फर्स्ट बेडरूम से था, बट यहाँ पे एक कॉर्नर होने की वजह से आपको यहाँ पे जो व्यू मिलता है वो टोटली अनइंटरप्टेड है। वहाँ पे फिलहाल इसका फोल्डिंग लगी हुई थी जिसकी वजह से जो व्यू था वो थोड़ा हिंडर हो रहा था, और ये है आगे का व्यू। और सामने की तरफ भी दो और पेंट हाउस है, आप देख सकते हैं इन्होंने किस तरह से इस एरिया को यूटिलाइज कर रखा है। सो सिमिलर यहाँ पे भी एग्जैक्टली इतना ही एरिया आपको ऊपर मिल जाता है अपर फ्लोर पे, जहाँ पे 1300 स्क्वायर फीट का एरिया है। और यहाँ पे बस एक एग्जांपल दिया है आप आउटडोर फर्नीचर के साथ इस एरिया को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर योर फैमिली गेट टुगेदर। ये एक रैप अराउंड बालकनी है जो आगे जाकर फर्स्ट बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है, एंड दैट्स द स्पेस फॉर ए। दिस इज़ द अटैच वॉशरूम। वॉशरूम जैसा आप देख रहे हैं एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा अलॉन्ग विद ऑल द फिक्स्चर्स। सो इसमें ग्लास क्यूबिकल्स रहेंगे। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में आपके पास वॉक इन क्लॉजेट का कॉन्सेप्ट है, और इसके अलावा अलग से भी अगर आपको वार्डरोब के लिए स्पेस चाहिए तो ये वाला कॉर्नर है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू, बहुत सारे लोग इसको एज अ स्टडी की तरह यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें वार्डरोब स्पेस प्लान कर लेते हैं। अब ये वाली जो बालकनी है ये एक रनिंग बालकनी है और ये बिल्कुल लास्ट तक जाती है, सो ये लिविंग रूम के साथ भी कनेक्टेड है। सो नाउ दिस इज़ द एरिया दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट अर्लियर। सो ये ऑलमोस्ट 10 फीट का पूरा पोर्शन है जिसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। ये लोअर लेवल पे है और यहाँ से अगर सेंट्रल ग्रीन एरिया को देखें तो दिस इज़ द इंटायर ग्रीन एरिया। सामने वाले टावर्स में आप ऑलरेडी देख सकते हैं फैमिलीज मूव इन कर चुकी हैं मोस्ट ऑफ द फैम। सो नाउ दिस इज़ द अटैच वॉशरूम, इसमें दो क्यूबिकल्स हो गए और बिल्कुल सामने हैंड बेसिन के लिए स्पेस आ गया। और पीछे की तरफ ये वाला जो पोर्शन है ये शाफ्ट के लिए है ताकि इसमें फ्यूचर में अगर कोई मेंटेनेंस वर्क हो तो वो इजीली किया जा सके। ऊपर आप देख सकते हैं मिनिमल फॉल सीलिंग है विथ लाइट्स, डक्टिंग का काम ऑलरेडी कंप्लीट है, इसमें सिर्फ एसी के एक्सटर्नल यूनिट्स जो हैं उनको प्लेस करना है और इनको कनेक्ट करना है। सो ये था लोअर लेवल जिस पे आपने देखा 3 बेडरूम विथ पूजा रूम, लिविंग, डाइनिंग और एक फॉर्मल लिविंग जिसमें डबल हाइट का कॉन्सेप्ट है और वो टोटली सेपरेट है। नाउ वी आर गोइंग ऑन द अपर लेवल। सो यहाँ पे ग्लास और एसएस लगा रहेगा। ये वाला पोर्शन अगेन कवर्ड है ऊपर से और तीनों तरफ अगर आप देखें तो ग्लास लगा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ से भी नेचुरल लाइट जो है वो इस पेंट हाउस के अंदर आ सकेगी। सो ये दूसरा पैसेज है जहाँ से आप इस टेरेस को एक्सेस कर सकते हैं। एक तो फ्लैट के अंदर से ही आ सकते हैं आप पेंट हाउस के अंदर से, और कभी अगर मान लीजिए आपने कोई स्पेशल ओकेशन है जिसमें आपने टेरेस पे अपनी कोई पार्टी होस्ट करी है तो ये एक सेकेंडरी एंट्रेंस है जहाँ से आप अपने गेस्ट को लेकर आ सकते हैं ऊपर विदाउट हैम्परिंग योर प्राइवेट स्पेस। तो यहाँ पे ऊपर एक वॉशरूम रहेगा, सो एक तरह से पाउडर रूम का काम करेगा। बाकी ये है पूरा 1300 स्क्वायर फीट का पूरा ओपन टेरेस एरिया, इसमें कॉर्नर्स पे आप अपने प्लांटर्स लगा सकते हैं और यहाँ से आपका जो मेन एंट्रेंस है वो रहेगा। सो ये है पूरा ओवरऑल 1300 स्क्वायर फीट का टेरेस एरिया इस पेंट हाउस के साथ। महागुन मेजारिया एक ऐसा प्रोजेक्ट है, दोस्त हु आर न्यू टू द चैनल लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ। ये सेक्टर 78 नोएडा में लोकेटेड है।
76 का मेट्रो स्टेशन हार्डली 200 मीटर की दूरी पे है। इसका जो कमर्शियल है दैट इज अप एंड रनिंग। 10 एकड़ के लैंड पार्सल में 3, 4 और 5 BHK हाई एंड कॉन्डोमिनियम्स हैं। यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर 99% फ्लैट्स के अंदर आपको डबल हाइट का कॉन्सेप्ट मिलेगा लिविंग रूम के अंदर। स्पेशियस बालकनीज हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इनका एक बहुत ही लैविश क्लब हाउस है और क्लब हाउस के अंदर यू नेम इट यू विल फाइंड ऑल दोस एमिनिटीज। सो इसका आप एक ग्लिम्स देखेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो जिसके अंदर आपको पूरा क्लब दिखेगा। सो एक नोएडा की मार्केट के अंदर देखा जाए तो दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉपर्टी टू इंट्रोड्यूस अ हीटेड पूल ऑप्शन। सो यहाँ पर दो टाइप के पूल्स हैं, एक ओपन है और एक हीटेड है। अपार्ट फ्रॉम दिस दे ऑल्सो हैव टू लॉन टेनिस कोर्ट और टेम्पल विद इन द कैंपस है। इस सोसाइटी के अंदर अभी भी 3 और 4 BHK के लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल हैं। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग जहाँ पे जो टिकट प्राइस है वो 2.5 CR से लेके 4.5 CR तक जाता है, देन इस सोसाइटी के अंदर आप अपार्टमेंट्स भी कंसिडर कर सकते हैं। ये एक रेडी टू मूव एन ऑप्शन है तो सबसे सेफ ऑप्शन है, रजिस्ट्री ओपन है। बट अगर आप वेट कर सकते हैं तो इनका एक और प्रोजेक्ट है दैट इज़ महागुण मेमोरियल, दैट इज़ लोकेटेड ऑन सेक्टर 128। सो एक गोल्फ सेंट्रिक प्रॉपर्टी है। अगेन इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ साइट विजिट जस्ट गिव अस अ कॉल, विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। दिस इज फॉर्मल एंट्रेंस टू एक्सेस द क्लब हाउस एंड इट इवन हैज अ लिफ्ट टू सपोर्ट द एल्डरली पीपल। यहाँ पर 3 levels के इनके पूल हैं। बिल्कुल ठीक सामने की तरफ ये है एडल्ट पूल, वहाँ पर छोटे बच्चों का पूल और वहाँ पर एक और छोटा सा पूल है। सो ये है पूरा पूल एरिया ठीक सामने, दैट्स द गेस्ट रूम। इसके बाद ऑल दीज आर गेम्स रूम और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। दिस इज़ द बिलियर्ड्स रूम, वी विल एक्सप्लोर ऑल दीज रूम्स वन बाई वन। दैट्स द बिलियर्ड्स रूम, दिस इज द एंटायर टीटी रूम। This is the kids play area, a library without any books, shelves खाली हैं, अपने books आप घर से लेकर आ सकते हैं। This is the cards room, this is their banquet hall. So as you can see they have proper sitting arrangement for at least 50 people. इसके बाद आगे की तरफ है इसका reception area, बिल्कुल ठीक सामने की तरफ दैट्स द किचन एरिया। दिस इज अ बिजनेस सेंटर रूम फॉर होस्टिंग सम काइंड ऑफ मीटिंग इफ यू वांट टू। सो दिस इज देयर टेम्परेचर कंट्रोल, सेंट्रली एयर कंडीशन, डबल बैडमिंटन कोर्ट, यू कैन सी पीपल आर प्रैक्टिसिंग। दिस इज अ स्क्वाश कोर्ट। इसके बाद ठीक आगे की तरफ दिस इज द मीडिया रूम। इसके बाद ये है पूरा इनका जिम का एरिया। नॉर्मली मैंने आपको बहुत सारे जिम्स दिखाए होंगे जिसके अंदर फ्लैट बेंच, इंक्लाइन बेंच तो होते हैं लेकिन पीछे का जो सपोर्ट वाला सेक्शन होता है ये नहीं होता है। सो दिस इज अ कंप्लीट वर्कआउट जिम विद द ट्रेनर। सो आई एम श्योर गाइस आपको ये पेंट हाउस टूर पसंद आया होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू आर लुकिंग फॉर सिमिलर ऑप्शन इन नोएडा और ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे देन देर आर सेवरल अदर ऑप्शंस। एज ऑफ नाउ अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन कंसिडर करते हैं तो महागुण का एक और प्रोजेक्ट है महागुण मेमोरियल। इसमें अगेन ड्यूप्लेक्स पेंट हाउस के ऑप्शन अवेलेबल हैं। सो जो स्टार्टिंग साइज है दैट इज 10,000 square feet एंड इट गोज अप टिल 20,000 square feet। नोएडा एक्सप्रेसवे पे ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज़ अ गोल्फ सेंट्रिक प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर एक फ्लोर पे दो फ्लैट या फिर एक फ्लैट का कॉन्सेप्ट है, दोनों तरफ गोल्फ कोर्स है तो एक प्रीमियम प्रॉपर्टी है। सो यहाँ पर जो प्राइस रेंज है वो शुरू हो जाती है 12 CR ऑनवर्ड्स। के अलावा अगर देखा जाए तो 150 के अंदर भी कुछ और पेंट हाउस के ऑप्शन अवेलेबल हैं। बट अगेन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन जस्ट गिव अस अ कॉल, वी विल अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट एंड सजेस्ट यू द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंगली दैट मैचेस योर रिक्वायरमेंट एंड द प्राइस टिकट दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। जाने से पहले बस आपके लिए एक चैलेंज है, वंस वी हिट 50K वी विल बी शोइंग यू अ DLF फार्म हाउस दैट इज़ लोकेटेड इन छतरपुर। बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी, वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड द शूट बट दिस इज़ अ सरप्राइज दैट वी वॉन्टेड टू गिव टू ऑल ऑफ यू। सो यही एक चैलेंज है, मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू आर चैनल और जैसे ही हम 50K हिट करेंगे वी विल बी शोकेसिंग दिस अमेजिंग फार्म हाउस लोकेटेड एट DLF छतरपुर। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही, आई विल सी यू गाइस टुमारो। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।